हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन सभी टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि व्हाई कंप्यूटर इज लर्निंग, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इट्स टाइप, व्हाट इज़ डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरेक्शन ऑफ यूज़र विद कंप्यूटर। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आपको इन पे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप पिछले वीडियो में जाके उसमें कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहला पेरिफेरल डिवाइसेस होता है कीबोर्ड। ये है कीबोर्ड। पेरिफेरल कहने का मतलब हुआ ऐसा कंप्यूटर डिवाइस जिसको हम एक कंप्यूटर से खोल के दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। That can be exchanged from one to another is called peripheral। तो सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? A computer keyboard is one of the primary input device used with a computer। computer keyboard computer का primary input device है। second में आता है आपका mouse। it is used to feed the data into computer in textual format। इसका यूज़ कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इनपुट करना है, वो भी टेक्सचुअल फॉर्मेट में। टेक्सचुअल फॉर्मेट कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, सिंबल हो या फिर कोई बटन स्पेशल कीज़ हो, उनका कन्वर्जन वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में करता है, उसके बाद कंप्यूटर में फीड करता है। अब वो कन्वर्जन करने के लिए वो एक कोड का यूज़ करता है जिसको बोला जाता है ASCII कोड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक अमेरिकन कोड है जो कि इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंटरचेंज करने के लिए बनाया गया है। सिमिलर टू अ टाइपराइटर, अ कीबोर्ड इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ बटन दैट क्रिएट्स नंबर, लेटर, सिंबल्स एज वेल एज परफॉर्म अदर टास्क। जैसा कि हम लोग टाइपराइटर को में देखते हैं बहुत सारे बटन्स होते हैं, वैसे ही ठीक कीबोर्ड में भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, और इन बटन्स के थ्रू हम लोग किसी नंबर को या फिर लेटर को लिखते हैं या फिर कोई सिंबल को इनपुट करते हैं या कोई अदर स्पेशल फंक्शन लाइक डिलीट, ओपन, इंसर्ट, प्ले, पॉज, ये सब को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग बट नंबर्स ऑफ बटन्स होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में कुछ अदर अलग बटन्स होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड में अलग बटन्स होते हैं। तो वैसे ही जो ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं ये नॉर्मल कीबोर्ड है, इसके सारे बटन्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो टाइप्स क्या क्या है ये आप देखिए। सबसे पहला टाइप्स आता है अल्फ़ाबेटिक कीज। अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या होता है? जो अल्फ़ाबेटिक्स में आता है, जैसे आपको यहाँ सर्कल में आपको दिख रहा है ABCD A to Z, ये सारा अल्फ़ाबेटिक कीज़ है। नेक्स्ट कीज़ आता है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ 0 to 9, ये आपको यहाँ दिख रहा है। इस साइड का सारा कीज़ को न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट की जाता है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जो कि F1 से लेके F12 तक होता है टॉप रो में। ये F1 से F12 हर बटन में अलग अलग फंक्शंस है। F1 का अलग वर्क है, F2 का अलग वर्क है। ऐसा नहीं कि F1 का हमेशा एक ही वर्क है, F1 का वर्क अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। जैसे आप MS Word में F1 खोलते हैं तो हेल्प खुलता है, जबकि एक्सेल में भी हेल्प खुलेगा। टैली में ले जाइएगा तो इसका अलग यूज़ है, C++ में अलग यूज़ है। तो अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग यूज़ है इन फंक्शन की का। नेक्स्ट की जाता है एरो की। एरो की चार टाइप्स का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और लास्ट में कुछ स्पेशल कीज कीबोर्ड में होते हैं लाइक इंटर, डिलीट, स्पेस बार, इंसर्ट, होम, एंड, ये यहाँ पे रहते हैं। इन सब बटन्स को स्पेशल बटन बोला जाता है।
जिसका स्पेशल फंक्शन है कुछ, जैसे कंट्रोल, अल्ट, विंडो, सबका अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस आता है माउस। माउस भी दो टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल माउस जो हम लोग यूज़ करते हैं और दूसरा गेमिंग माउस। नॉर्मल माउस में 3 बटन होते हैं और गेमिंग माउस में 3 से ज़्यादा बटन होते हैं। तो माउस होता क्या है? एक कंप्यूटर माउस इज हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है जो हाथ में रख पकड़ के इसको चलाया जाता है, दैट कंट्रोल्स अ कर्सर इन अ GUI फॉर्मेट, जो कि कंप्यूटर में जो एरो कीज जो डिस्प्ले होते हैं कर्सर, उसको कंट्रोल करता है। इसका यूज़ है किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर आइकन्स को सेलेक्ट करना या फिर मूव करना, जो कि कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है। दैट कंट्रोल्स अ कर्सर इन GUI एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, आइकन, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। इसमें जो 3 की होते हैं उन सभी बटन्स को एक लेफ्ट की बुलाता है, एक राइट की बुलाता है और तीसरा स्क्रॉल बटन बुलाता है। इन सभी बटन्स का यूज़ क्या है? लेफ्ट की, दिस की इज़ यूज टू सेलेक्ट और पॉइंट द डिस्प्लेड ऑप्शन ऑन द मॉनिटर। लेफ्ट क्लिक का की का यूज़ होता है जो मॉनिटर में ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना या फिर पॉइंट करना। पॉइंट मतलब अगर कीबोर्ड, अगर मॉनिटर पे कोई ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है जिस जो कि एक बटन है अप डाउन का, तो बटन पे क्लिक करना यानी कि क्लिक कर रहा है यानी कि वो पॉइंट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करना मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट जो करते हैं वो सेलेक्ट करना। दूसरा बटन आता है राइट बटन। राइट की का यूज़ क्या होता है? दिस की इज़ यूज टू डिस्प्ले द फंक्शन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मॉनिटर पे डिस्प्ले होने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो या फिर इमेज फाइल हो, कुछ भी हो, उसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन को, जो जो एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है वो सारे ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है। लाइक किसी हम MP3 फाइल में अगर राइट क्लिक करते हैं तो MP3 को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं? नहीं, MP3 को प्ले किया जाता है, वहाँ पर प्ले का ऑप्शन आएगा, ठीक है, MP3 में प्ले होगा। कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, MP3 का रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं किसी फाइल में, ये सब काम MP3 में किया जाता है। अगर हम किसी फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्ले ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे ओपन ऑप्शन आएगा, क्योंकि फोल्डर को ओपन किया जाता है ना कि प्ले। तो फोल्डर में आएगा ओपन, कट, पेस्ट, कॉपी। पेस्ट इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि फोल्डर में हम कुछ पेस्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए पेस्ट आ रहा है, जबकि पेस्ट का ऑप्शन फाइल में नहीं आएगा। फाइल में ओपन आएगा, कट आएगा, कॉपी आएगा, डिलीट आएगा, रीनेम आएगा। इस तरह हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग ऑप्शन डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट बटन आता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, इसका यूज़ क्या होता है? दिस बटन इज़ यूज टू स्क्रॉल द डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ डेटा आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसका यूज़ होता है मॉनिटर पर डिस्प्ले होने वाले लिस्ट ऑफ डेटा को आइदर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना, ऊपर से नीचे इसको मूव करना या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करना। जैसे कि आपने किसी इमेज को जूम कर दिया 500% तक जूम कर दिया, तो हम अगर हम उसको लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, जैसे हम स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे करते हैं तो वो इमेज ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है लेकिन लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल नहीं होता। मैंने आप लिखा है लेफ्ट टू राइट भी स्क्रॉल होता है, इसका मतलब चौथा बटन एक हिडन बटन है जो कि स्क्रॉल बटन के नीचे लगा होता है, ठीक नीचे अंदर में। जब हम स्क्रॉल बटन को प्रेस करते हैं लाइक लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, जैसे लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हैं वैसे ही स्क्रॉल बटन भी क्लिक होता है। तो हम जैसे ही स्क्रॉल बटन को क्लिक करते हैं वो नीचे वाला बटन क्लिक हो जाता है। और होता क्या है कि नॉर्मल एरो सिंपल एरो रहता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं वो एरो कन्वर्ट हो जाता है 4 डायरेक्शनल एरो में, 4 डायरेक्शनल एरो में। उसके बाद हम माउस को जहाँ भी मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्क्रीन मूव करेगा। अगर हम माउस को राइट में मूव करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर जाएगा, माउस को
अप डायरेक्शन में करेंगे तो अप होगा, माउस को अगर डायगनली भी मूव करेंगे तो वो डायगनली भी मूव करेगा। वो फोर डायरेक्शनल होता है एरो, जबकि वो डायगनली भी मूव कर सकता है। तो ये हुआ माउस। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस आता है BCR। BCR का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज ओनली यूज फॉर रीडिंग बारकोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। इसका यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट में जो बारकोड प्रिंटेड होते हैं उसको रीड करना, और रीड करके इसका इंफॉर्मेशन को निकाल के कंप्यूटर में फीड करना। अब उस बारकोड में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, बारकोड रीडर उस नंबर को रीड करता है और उस नंबर से उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्यूटर में फीड करता है। दीज कोड कंटेंस द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स कंटेंस करता है, जैसे कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, किस मैन्युफैक्चर का है, कब बना है, उसका एक्सपायरी डेट अगर है तो कब का है, उसका रिटेल प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस क्या है, ठीक है, उसमें GST कितना लगा हुआ है, वो सारा कैलकुलेशन उस प्रोडक्ट कोड में होता है जिसको बारकोड रीडर ही रीड करता है। नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का जनरली यूज सिर्फ गेम खेलने में होता है। इसमें एक से इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ओनली। दिस कैन बी इजिली सीन इन गेम पार्लर। गेम पार्लर में इसको आसानी से देखा जा सकता है। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। आप लोग में से बहुत लोग जो एग्ज़ाम देते होंगे OMR सीट पे, तो आप लोग वहाँ पे नेम लिखते हैं कलर करके, तो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये उस OMR सीट को रीड करने का काम करता है और रीड करके आपके करेक्ट आंसर सीट से मैच करता है और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड करवाता है। तो OMR इज़ यूज टू रीड द मार्क टर्न बाय एनी स्टूडेंट इन देयर एग्जामिनेशन सीट। जो भी हम लोग एग्जामिनेशन सीट में आंसर में मार्क करते हैं उसको रीड करने का काम करता है ये OMR। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस आता है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR इज यूज्ड बाय बैंक व्हाइल रीडिंग चेक इंफॉर्मेशन बाय मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द चेक। चेक में आपको कुछ डॉटेड मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, जिसमें कि चेक नंबर लिखा होता है वो। अब उस चेक नंबर को MICR रीड करके बताता है कि ये नंबर वैलिड है या नहीं, या फिर चेक इनवैलिड तो नहीं हो गया है, या फिर वो चेक कोई अपना ऑनलाइन जाके उस चेक को कैंसिल तो नहीं किया है, वो चीज़। वो चेक के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है MICR और फिर कंप्यूटर में फीड करवा देता है। तो ये सब जितने भी डिवाइस है वो सब कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डेटा को फीड करने का काम कर रहा है। जैसे कि नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक। माइक का यूज़ तो सबको जानता होगा। माइक का काम होता है, माइक इज़ यूज टू रिसीव द वॉइस और एनी साउंड एंड सेंड इट टू द डिवाइस इन विच द माइक इज़ कनेक्टेड। इसका काम होता है कि यूज़र के वॉइस को या फिर किसी भी साउंड को रिसीव करना और जिस डिवाइस से माइक कनेक्टेड है उसमें उसको फीड करवा देना। चाहे आपका माइक साउंड बॉक्स से कनेक्ट हो, म्यूज़िक प्लेयर से कनेक्ट हो, कंप्यूटर से कनेक्ट हो, मोबाइल से कनेक्टेड हो, किसी भी से आप कनेक्ट करें, वो माइक का काम बस इतना ही है कि वो यूज़र के वॉइस को लेना और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना एनालॉग सिग्नल में और कंप्यूटर में भेज देना। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन द प्रिंटेड डेटा एंड सेंड इट टू द डिवाइस इन विच इट इज़ कनेक्टेड। स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी प्रिंटेड डेटा को स्कैन करना और उसके बाद उसका एक कॉपी बना के कंप्यूटर में फीड करवा देना। प्रिंटेड डेटा,
प्रिंटेड डेटा क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई फाइल को बनाते हैं, अगर हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाएं कंप्यूटर पे और फाइल बना के उसको सेव कर दें कंप्यूटर पे, अभी हम उसको प्रिंट नहीं किए हैं, सिर्फ सेव किए हैं, तो जो सेव डाटा हुआ उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी डेटा। सॉफ्ट कॉपी है, उसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रिंटेड कर देते हैं, जब उस डेटा को प्रिंट कर देते हैं, तो वो बन जाता है हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो कि कंप्यूटर में सेव है आपका, जिसको अभी हम प्रिंट नहीं किए हैं। अगर आप उसको एक बार प्रिंट करके निकाल दिए तो प्रिंटेड डेटा जो हो गया वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी डेटा को स्कैन करता है और कंप्यूटर में उसका एक स्कैन कॉपी को स्टोर करता है, ताकि हम दोबारा उस हार्ड कॉपी डेटा का डुप्लीकेट बना सकें या फिर उसको एडिट कर सकें कुछ भी, और फिर से रीप्रिंट कर सकें। तो ये होता है स्कैनर, ये उसका इमेज को स्कैन करता है बस। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर बाय द हेल्प ऑफ लेजर एंड इंक। प्रिंटर का यूज़ होता है किसी भी टेक्सचुअल या फिर ग्राफिकल डेटा जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, एक्सेल का फॉर्मेट हो, या कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको ये क्या करता है, लेज़र और इंक के मदद से प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी को निकालता है, उस सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। प्रिंटर का टाइप्स होता है बहुत सारा, जैसे कि लेज़र प्रिंटर जो लेज़र का यूज़ करता है, इंकजेट प्रिंटर जिसमें इंक का यूज़ किया जाता है, फिर आया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसमें डॉट डॉट इंक का यूज़ किया जाता है, इंक होता है पर वो डॉटेड फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लॉटर। प्लॉटर सेम एज प्रिंटर होता है, सेम काम प्रिंटर के जैसा काम करता है, पर ये बड़ा फॉर्मेट यूज़ करता है। जैसे कि प्रिंटर से कितना मेनली आप जो नॉर्मल पेज आता है उससे प्रिंट करते हैं, पर प्लॉटर क्या होता है कि बड़ा साइज़ का प्रिंटिंग कर सकता है। देखिए, प्लॉटर इज़ यूज्ड सेम एज अ प्रिंटर बट इट इज़ अ लार्ज साइज प्रिंटर विच प्रिंट्स फ्लैग्स, पोस्टर, बैनर, जो भी बड़ा बड़ा पोस्टर हो गया वो सबको प्रिंट करने का काम करता है, या फिर फ्लैग्स हो गया, या फिर बड़े बड़े कंपनीज की बैनर हो गई, वो सब चीज़ में प्रिंट होता है। प्लॉटर से हम लोग क्लॉथ्स में भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक में भी प्रिंट कर सकते हैं, पेपर में भी प्रिंट कर सकते हैं, और आजकल पोस्ट बैनर बनाने के लिए प्लास्टिक पेपर यूज़ किया जाता है जो कि क्लॉथ्स और प्लास्टिक रबर का दोनों का मिक्स होता है, उसमें भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, जबकि प्रिंटर से नॉर्मल सिर्फ पेपर में ही प्रिंट किया जा सकता है। नेक्स्ट डिवाइस आता है मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले द वर्क परफॉर्मिंग इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये मेन आउटपुट डिवाइस है, सबसे मेन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वर्क जो है वो काम क्या है कि सीपीयू के अंदर होने वाले टास्क को यूज़र के सामने दिखाना। हम कंप्यूटर में जो भी टास्क कर रहे हैं सीपीयू के अंदर काम करते हैं, वो सीपीयू के अंदर क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसको दिखाने का काम ये मॉनिटर करता है। कि हम जैसे कि कोई फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहे हैं, तो ये दिखाएगा आपको कि आप फाइल कहाँ पे रखा हुआ है और उसको कॉपी करके आप कहाँ रखना चाहते हैं, वो सब डिस्प्ले करता है। सीपीयू के अंदर हम गाना को प्ले कर रहे हैं तो वो गाना कहाँ रखा हुआ है उसमें हम राइट क्लिक किए, प्ले किए हैं, तो प्ले होने के बाद अगर वो नॉर्मल ऑडियो रहेगा, MP3 रहेगा, तो वो आपका स्पीकर से निकलेगा आवाज़, लेकिन वो अगर वीडियो रहेगा तो स्पीकर प्लस मॉनिटर दोनों में आपका डिस्प्ले होगा। यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है प्लस उसका आउटपुट स्पीकर से भी निकल रहा है। तो मॉनिटर एक मेन आउटपुट डिवाइस है जो कि CPU के अंदर होने वाले टास्क को यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है। इसके थ्रू ही हम लोग CPU में काम कर सकते हैं। अगर हम मॉनिटर को बंद कर दें तभी कि CPU के अंदर हम काम कर सकते हैं, पर हमको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स आता है सीआरटी, ये है सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअली इसमें कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है, इसलिए ये आउटडेटेड हो गया। देखिए क्या क्या इसमें फीचर है। हाई पावर कंजम्पशन, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन होता था इसमें। एक्चुअली ये प्राइस बहुत कम है पर इसका पावर ज़्यादा कंजम्पशन होता था। ये फास्टर देन एलसीडी इन रिस्पांस टाइम, मतलब एलसीडी के कंपैरिजन में इसका रिस्पांस टाइम अच्छा होता था पर इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था। नो इमेज कन्फाइनमेंट, इमेज क्वालिटी इसमें कुछ खास नहीं था क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन बहुत कम था। रिजोल्यूशन आपको पता होगा कि रिजोल्यूशन जो होता है वो इमेज के क्वालिटी को इफेक्ट करता है। जितना हाई रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा इमेज क्वालिटी अच्छा हो जाता है। इसका रिजोल्यूशन लो होने के कारण इसका इमेज क्वालिटी भी ख़राब था। नेक्स्ट है आपका एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक्चुअली इस डिस्प्ले के अंदर एक लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। जब भी आप एलसीडी मॉनिटर को उंगली से प्रेस करते हैं तो आप देखते हो कि कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है क्योंकि वहाँ से वो लिक्विड रिमूव हो जाता है। और जैसे ही वो आप उंगली को वहाँ से हटाते हैं, फिंगर को, तो इम्प्रेशन हटने के कारण फिर से वापस से वो लिक्विड उस स्पेस को फिल कर देता है जिसके, और इसी लिक्विड के कारण ही किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने का काम ये एलसीडी मॉनिटर करता है। ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है सीआरटी के कंपैरिजन में, इसलिए, और यहाँ पे सीआरटी में एक पिक्चर ट्यूब लगा होता था, इसमें वो पिक्चर ट्यूब नहीं होता है, वो यहाँ पे एलईडी बल्ब्स होते हैं। नीचे में एलईडी बल्ब्स होते हैं जो कि पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस लिक्विड के अंदर, इसके थ्रू ये डिस्प्ले करता है, इसलिए ये लेस पावर कंजम्पशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें इसमें कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में एक ट्यूब नहीं होता है जो बल्ब के जैसा जलता है। ये कॉस्टलियर देन सीआरटी होता है। कॉस्टली होने के साथ इसमें डिमेरिट्स क्या था कि ये सीआरटी से थोड़ा सा स्लो है रिस्पांस टाइम में, जो कि पहले ही बताया गया था। इसलिए सीआरटी को हटा के एलसीडी लाया गया और एलसीडी को हटा के एलईडी लाया गया, जो भी बताऊंगा मैं। इसका साइज स्मॉलर होता था, इसका इमेज क्वालिटी अच्छा होता था क्योंकि इसमें सीआरटी के कंपैरिजन में हाई रिजोल्यूशन डाला गया है। इसमें इमेज क्वालिटी अच्छा करने के लिए इसका रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है आपका एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एलसीडी को आप जब फिंगर से प्रेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ आपका लिक्विड पार्टिकल्स दिखता है जो कि एलईडी में नहीं होता। अगर आपके पास एक एलईडी है तो उसको आप प्रेस कीजिएगा तो बहुत ही कम समय के लिए हल्का सा ब्लैक स्पॉट आता है, जबकि एलसीडी में बहुत टाइम के लिए आता है, थोड़े देर में वो हटते हटते टाइम होगा। एलईडी बहुत ही थिन होता है एज़ कम्पेयर टू एलसीडी। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसका डीमिंग रेंज बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब कि जैसे कि आप एलसीडी में देखते होंगे कि कॉर्नर कॉर्नर पे लाइट ज़्यादा होता है, जबकि एलईडी क्या होता है, इसका डिस्प्ले में चारों साइड इक्वल डिस्प्ले कलर होता है। डीमिंग रेंज बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप इसका ब्राइटनेस कम करेंगे तो हर जगह इक्वली ब्राइटनेस कम होता है, जबकि आपको एलसीडी में ऐसा नहीं दिखता। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट फीचर इसका लोअर टेम्परेचर एंड कंजम्पशन ऑफ मच लेस पावर। इसमें टेम्परेचर भी बहुत हल्का होता है और ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। ये लेस देन 20 वाट से भी कम पे आपका चल सकता है, इसलिए ये पावर कंजम्पशन भी बहुत कम करता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं हुआ। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो एज कम्पेयर टू सीआरटी और एलसीडी बहुत हाई होता है, और ये एक एलईडी है इसीलिए इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप नॉर्मल बल्ब भी आप चलाते होंगे एलईडी, तो एलईडी बल्ब्स का भी लाइफ स्पैन जो होता है एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और ये एलईडी है, इसमें कोई
रे इन्फ्लेक्ट नहीं होता, जबकि आपका सीआरटी में एक रे निकलता है जो कि आपके ह्यूमन आइज़ को इन्फेक्ट करता है। एलसीडी में वो रे कम हो गया और एलसीडी में वो रे होता ही नहीं है, इसलिए कि इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट नहीं करता।